चलिए आज हम एक राखी बनाएंगे। इसके लिए आप कोई सा भी डिज़ाइन जो भी आपको अच्छा लगता हो आप एक फॉर्म शीट पर बना लें, जिस तरह से मैंने बनाया है। जो सा भी आपको अच्छा लगता हो, अगर आप दूसरी तरह का बनाना चाहते हैं तो वो बना लें। अब हम ये करेंगे कि इसको काट लेंगे इस तरह से। काट लेंगे, मैंने इसको काट लिया है। अब हम ये करेंगे कि फेविक्विक लेंगे और इसको एक जगह लगाएंगे और इसके ऊपर जो आप चिकन खाते हैं ना मजे ले लेकर, उसके पर को यहाँ स्टिक कर देंगे। इसी तरह फिर दूसरा, हर रंग का ले लीजिए। ये स्टेशनरी शॉप पर जहाँ से आप सीक्वेंसेस वगैरह या क्राफ्ट का सामान लाते हैं वह बहुत आसानी से मिल जाता है। इसी तरह आप यहाँ लगाएंगे, दूसरे कलर का लगा दीजिए, जितने कलर आपके पास हो। मेरे पास तीन थे तो मैं तीन ही लगा दे रही हूँ। ये इस तरह से आपको तमाम फेदर्स को उस पर चिपका देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि फिर से एक आप एक सीक्वेंस लेंगे। आप जाएंगे वहाँ पर जब स्टेशनरी शॉप पे तो आपको तरह तरह के वो दिख जाएंगे। मैं इस तरह का लाई हूँ, आप भी अपने मनपसंद जैसा भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे वो ले लें। तो अब हम इसके बीच में थोड़ा सा वो डालेंगे फेविक्विक डाल के इसको इस पे रख देंगे। देखिए लगने लगी ना ये अच्छी। एक कोई सी भी डोरी लेंगे, गोल्डन कलर की ले लें, ब्लैक ले लें, जो भी आपको पसंद आए वो ले लें। मैंने तो शादी के कार्ड में जो लग करके आती है ना उसे ले लिया। ये देखिए, तो अब हम ये करेंगे कि इस डोरी को रखेंगे बिल्कुल सीधा करके, और ये डबल साइडेड जो टेप होता है ना ये, इसको एक टुकड़ा करेंगे छोटा सा। यहाँ रख देंगे, रखने के बाद ये जो आपकी डोरी है ना इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, अब इस वाले हिस्से पे इसको स्टिक कर देंगे। अगर आपको शक लगे कि चिपकेगा नहीं चिपकेगा तो आप थोड़ा सा फेविक्विक भी वहां पर डाल सकते हैं। इधर वाला टेप मत निकालिएगा नहीं तो फिर ये चिपकने लगेगा। बस ये रहने दीजिएगा ऐसे ही, और बस इसको ये देखिए, ये आपकी राखी बनकर तैयार हो चुकी है। और मैं समझती हूँ कि इतनी बेहतरीन राखी देखकर आपका भाई आपको 1000 की जगह 2000 देगा। इसलिए आप बेफिक्र होकर के इसे बनाएं और जो है अपने भाई को बांधते हैं। एक तरह की राखी तो ये हो गई। फिर से आप एक कोई से भी कलर की शीट ले लें, जैसे मैंने ये ली है फिरोजी कलर की, ये भी वही है फॉर्म शीट है। तो इसके ऊपर फिर से आप जैसा भी आपको अच्छा लगता हो कोई सा भी फ्लावर बना लें। जैसे हम ये ऐसे करके बना रहे हैं, ऐसे करके देखिए इस तरह का बना लें। और अब जो सा भी आकार चाहते हो, अगर ये गोल शेप देना चाहते हो वैसा बना लें, और नहीं तो अपनी मर्जी का जैसे उसमें किया था वैसे ही। अब हम फिर से इसको काट लेंगे। देखिए मैंने इसको काट लिया है। अब हम ये करेंगे कि सिल्वर कलर का एक फॉर्म शीट लेंगे, उसको भी एक कोई सा भी शेप देकर मैंने इस तरह का गोल सा शेप दे दिया, इसे काट लिया। अब इसके ऊपर
थोड़ा सा ये फेविक्विक हम इसके ऊपर टपकाएंगे और इसे स्टिक कर देंगे अपने फ्लावर के ऊपर। ये ठीक है, स्टेशनरी शॉप से आप जाएंगे तो बहुत तरह तरह सीक्वेंसेस मिल जाएंगे। और ऐसे ही मैं भी एक लेकर के आ गई हूँ, ये मैचिंग का है, ये फिरोजी है तो इसमें भी फिरोजी है। तो आप ये करेंगे, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर फिर से फेविक्विक लगाएंगे यहाँ पर, इसके ऊपर चिपका देंगे। ठीक है, इसमें भी हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे उसमें हमने थ्रेड लगाया था। ये हम डबल साइडेड टेप लेंगे और एक तरफ से उसका वो हटा देंगे और इसको पलट के हम इस पे पहले अपना ये थ्रेड रखेंगे। थ्रेड क्या है, ये भी वही है किसी शादी के कार्ड में लग करके आया था, उसे आप ये रख दें। रखने के बाद बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे उसमें आपने रखा था अपने टेप को इसके ऊपर चिपका दें। अगर आपको शुभ हो रहा है कि निकल जाए कुछ है तो आप जो है इस पर थोड़ा सा फेविक्विक लगा सकते हैं, वैसे निकलता नहीं है। ठीक है, देखिए ये देख सकते हैं आप, आपकी दूसरी राखी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें आप चाहें तो यहाँ पर कोई से बीड्स वगैरह डाल लें और अच्छा बनाने को, लेकिन थोड़ा सोबर ही रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, एक आपकी ये हो गई, एक ये हो गई। अब हम एक तीसरी तरह की राखी बनाना सीखेंगे, उसमें हमें क्या करना होगा। देखिए, ये मैंने तीसरी राखी बनाने के लिए क्राफ्ट वाली आइसक्रीम स्टिक ली है, ये वुडन वाली नहीं है, क्राफ्ट की जो होती है ना मोटे गत्ते की जो बनाई जाती है वो है। ये भी वहीं से आपको स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगी। तो ये आपको दो ऐसे करके रख लें और रखने के बाद हमें इसका थोड़ा सा चौड़ा बनाना है तो इसलिए हम इसे स्टिक करेंगे। तो हम ये एक टेप लेंगे, पेपर टेप, इसको इसके ऊपर जोड़ के आपस में ने इसे करके लगा देंगे। ठीक है, देखिए अब ये चिपक गई। अब हम इस पे एक डिजाइन बनाएंगे, थोड़ा सा जो सा भी बना लो। ठीक है, अब हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए, मैंने इस पे पहले कलर कर दिया, जो सा भी कलर आपको अच्छा लगता हो आप कलर कर दें, गत्ते का तो है ही, वो कलर ले ही लेगा। तो आप जो है, मैंने इस पे लाइट लेमन कलर सा कर दिया और उसके ऊपर ये जो स्टिकर मैंने आपको दिखाया था ना अल्फाबेट वाला, अपना अल्फाबेट का जो, अगर आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं अपने भाई का भी, उनका नाम हो तो। यहाँ पर मैंने भाई लिख दिया है, BHAI। ठीक है, अब आपको ये करना होगा कि किसी भी कलर का मोटा वाला धागा लेंगे आप, जिससे कि लिहाफ वगैरह सी जाती है, इतना मोटा धागा ले लें, किसी भी कलर का ले लें जो सा भी आपको पसंद हो, और इक्वल साइज का लें दोनों। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे कि इसको एक उठाएंगे और इस तरह से बिल्कुल बराबर बराबर कर लेना है। अब हम अपना एक थ्रेड उठाएंगे और इस तरह से इसको पकड़ेंगे और ये जो आपने सुराख किया है इसमें डाल देंगे। ये देखिए, डालने के बाद ये वाला हिस्सा पकड़ेंगे और इसमें ऐसे करके डाल के, ये देखिए, इसी तरह आपको दूसरी तरफ भी करना है। पहले ये डालेंगे ऐसे, फिर इस तरह से करेंगे और ये देखिए ये हो गया। ये देखिए, आ गई बात समझ में।
धागे को डबल करेंगे, मतलब एक धागा लेंगे उसको इक्वल साइज के दो पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। फिर डबल करने के बाद जो हमने सुराख किया हुआ है ना इसमें, इसके अंदर डालेंगे, उसमें से निकाल के खींच लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ये बन जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, अब इसमें हमें कुछ बीड्स डालनी होगी। ये आप अपनी पसंद से ले लें, जो भी आपके पास हो, जिस कलर की भी हो, जो भी हो आप ले लें। इसको सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसका जो ये हिस्सा है इसको हम हल्का सा ग्लू लगा करके, या फिर अपना जो ये कोना है ना इसको इस तरह से कर देंगे, ताकि ये हार्ड हो जाए और सुई में आसानी से डाला जा सके। तो यहाँ मैंने छोटी वाली सुई तो ली नहीं है, सुआ लिया है बड़ा वाला जो मैंने आपको बताया था, तो वैसे भी डालने में हमें आसानी हो जाएगी। मैंने एक साइड का डाल लिया है, मेरे पास 20 थी ये काली वाली, तो मैंने आगे पिंक डाली और फिर 10 मैंने इधर डाल दी है। तो बस अब हम फिर से इसको निकाल लेंगे, इसके धागे को, और यहाँ हम एक गांठ लगा देंगे। इसलिए लगा देंगे कि हमारी ये जो बीड्स पड़ी हैं इसके अंदर ये मोतियाँ जो मैंने डाली हैं निकल ना जाएं। ठीक है, ये अब ये देखिए निकलेगी नहीं। अब हम इधर से दूसरी वाली को सेम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, फिर से धागा डालेंगे हम सुई में। सबसे पहले हम ये पिंक वाली लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद जैसे पहले करा था, अब ब्लैक वाली हम सारी डाल लेंगे। ये मैंने दूसरे साइड भी डाल लिया है। अब हम बिल्कुल सेम उसी तरह से अपनी सुई को बाहर निकाल लेंगे और एक नॉट जो है मैं यहाँ लगा दूंगी, ताकि जो है हमारी ये मोतियाँ जो है निकले नहीं। अब हमें मोटे वाले, जिससे कि हमने उसमें मोतियाँ लगाई थी वैसे ही वाला धागा, मोटा वाला चाहिए हमें। तो आपके पास जितने रंग का हो आप ले लें, मेरे पास दो था, येलो और ग्रीन, तो मैंने इक्वल साइज़ का ले लिया है। ठीक है, तो इसको बराबर करके, पहले ऐसे बराबर करके दो हिस्सों में हम बांट लेंगे। एक ये हो गया, देखिए। अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से करते जाएंगे। अब हम इस धागे को, एक तो हमने अभी रख दिया है और दूसरे को, हम दोनों को मिला करके इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। जब ये इतना बड़ा बच जाएगा, इतना बड़ा, तो आप ये करेंगे कि इसको, ये जो आपकी बचा था ना, जो हमने बनाया था, जो धागा बचा हुआ था, इतना बच गया था मोतियाँ पड़ने के बाद, तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रख करके इस वाले धागे से ऐसे करके लपेट देंगे। इतना करने के बाद हम फेविक्विक लेंगे और जहाँ हमने लपेटा है उसके ऊपर इसे गिरा देंगे, थोड़ा सा लगा देंगे ताकि ये चिपक जाए। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि ये जो हमारा नीचे वाला पोर्शन बचा है इसको हम बीच में से लेंगे, ऐसे करके काट देंगे। ये ठीक है, ये इसी तरह हम दूसरी साइड से भी कर लेंगे। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर जहाँ मैंने फेविक्विक डाली थी उस जगह मैंने, वहाँ थोड़ा हार्ड हार्ड सा हो गया था, मैंने एक और वो लिया और मोती, और उसको इसके ऊपर से लगा दिया है इस तरह से। देखिए इसको मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको, देखिए ऐसे करके इसमें डाल देना है। अब जो है
क्या होगा, अब ये आपके भाई के हाथ में चुभेगी नहीं। ये देखिए, ये तो हो सकता था ये जो फेविक्विक डालने से थोड़ा हार्ड सा हो गया था। ठीक है, ये लीजिए आपकी तीन तरह की बहुत ही खूबसूरत राखी बनकर तैयार हो चुकी है। अब जाइए अपने भाइयों के हाथ में बांधिए और उन्हें मिठाई खिलाइए और कुछ कमाई करिए। तीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके भाई इस राखी को बांधकर बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि हैंडमेड चीज जो होती है नहायत ही उमदा होती है। मार्केट से तो कोई भी खरीद के ला सकता है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी और मेहनत दिखती है।